आम का अचार बनाने जा रहे हैं। तो कच्चे आम के अचार बनाने के लिए हमने 1 किलो आम लिए हैं, जिसको अच्छी तरह से हम धो लिए हैं और इसको हम 1 घंटा के लिए इसको हम सुखा दिए धूप में, ताकि इसमें पानी ना रहे। अब इसमें हम हल्दी और नमक सानेंगे और सानकर इसको भी 1 से 1.5 घंटा हम धूप लगाएंगे। उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे सारा हम। तो चलिए इसमें हम हल्दी और नमक सान लेते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस रेसिपी को, ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कच्चे आम का अचार कैसे बनता है। देखिए इसे हम 1.5 घंटा धूप में सूखने दिए थे नमक और हल्दी सानकर। तो थोड़ा सा नमक है जो पानी छोड़ा है, उतना नहीं, हल्का सा नमी खाली बना है बस। तो यहाँ पे हमें नमक और हल्दी देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा विशेष है। तो और हम क्या मसाला देंगे, अभी इसे सान लेंगे हम। तो चलिए हम मसाला आपको पहले दिखा देते हैं। तो देखिए मसाला में क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। 1 चम्मच ला हम ब्लैक पेपर लिए हैं, और 1.5 चम्मच ला जीरा पाउडर लिए हैं हम, और यहाँ पे धनिया पाउडर हम 3 चम्मच ला लिए हैं, और लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ पे 2 चम्मच ला लिए हैं, और ये पिसा हुआ सरसों है जिसे हम 3 चम्मच लिए हैं, और कुछ हम खड़ा मसाला भी लिए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए खड़ा मसाला में हम जमाइन लिए हैं 1 चम्मच लिए हैं, और यहाँ पे हम 1 चम्मच ला ये भी लिए हैं मंगरेला, और मेथी भी यहाँ पे हम 1 चम्मच लिए हैं, और सानने के लिए हमें तेल चाहिए उसमें डालने के लिए। तो चलिए मसाला अब सब ऐड कर देते हैं। देखिए अचार अच्छी तरह से सना गया है, और इसको हम 5 से 6 दिन हम धूप में रखेंगे सही, उसके बाद हम किसी डब्बा में डालेंगे इसको। और ये कड़ा धूप में आप रखिएगा तो 5 से 6 दिन में अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसे हम धूप में डाल देते हैं 5 से 6 दिन के लिए, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हम बताना भूल गए थे, चुटकी भर हम हींग भी डाले थे इसमें। तो चलिए इसको हम 6 से 7 दिन के लिए हम धूप में रख देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए बनकर रेडी हो गया है आम का अचार, और इसे 6 दिन हम धूप में सुखाए हैं, और इसका मसाला भी अच्छी तरह से, ये मतलब
शाम में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तेल और मसाला, तो आप इसे खा सकते हैं। ये पूरा रेडी हो गया है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फैमिली और दोस्तों के पास। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक।